आबकारी मामले में ईडी ने 2 नवंबर के लिए अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है, लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा है कि ये समन पूछताछ के लिए नहीं, उनकी गिरफ्तारी के लिए है। मेरे साथ में दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर आतिशी है। पहले जो बात बीजेपी नेता कहते थे वही बात आप भी कह रहे हैं, क्यों लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी होगी? क्योंकि हर तरफ से एक ही खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के एक एक करके सभी नेताओं को जेल में डालने वाले। आज अगर आप देखिए ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के हाथ में विपक्ष को खत्म करने का हथियार बन गया है, और अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं हरा पाती, तो अब चुनाव में नहीं हरा पाती तो उनको खत्म करने का अब यही तरीका बीजेपी के पास बचा है कि उनको और उनके सारे नेताओं को जेल में डाल दो। और मैं ये भी आपको बता दूं कि सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, जो जो नेता हैं, जो जो पार्टियां हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं हरा पाती है, उनको एक एक करके जेल में डाला जाएगा। अरविंद केजरीवाल के बाद अगला नंबर हेमंत सोरेन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को नहीं हरा पाती, झारखंड में जेएमएम को नहीं हरा पाती, उसके बाद अगला नंबर तेजस्वी यादव का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार बिहार का इलेक्शन हारती है। उसके बाद अगला नंबर पिनरी विजयन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केरल में इलेक्शन नहीं जीत पाती। ममता बनर्जी का आएगा। एक एक करके सभी विपक्ष के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी जेल में डालने का प्रयास कर रही है। अब एक फहरिस्त गिनाई कि इंडिया अलायंस के जो नेता हैं उनका ऐसे नंबर आने वाला है, लेकिन इस समन को आए हुए, इस नोटिस को आए हुए आधे दिन से ज्यादा बीत चुका है, अभी तक कोई ऐसी वॉइस नजर नहीं आ रही है जो इस बात को कंडेम करे, या किसी ने आपको संपर्क किया? अगर आप देखिए आम आदमी पार्टी इसमें अकेली नहीं है, आज विपक्ष के हर नेता पर हमला हो रहा है। आप देखिए कि किस तरह से कांग्रेस के नेताओं पर, किस तरह से टीएमसी के नेताओं पर, कोई भी विपक्षी पार्टी नहीं है जिसे भारतीय जनता पार्टी जिनको पीछे छोड़ रही है। देखिए अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया आप उनको जेल में डालिए, लेकिन सबूतों को सामने रखकर आरोपों को साबित करके जेल में डालिए। आज ईडी और सीबीआई एक ऐसा माध्यम बन गए हैं जहां पर सिर्फ आरोप लगाकर अरेस्ट कर लिया जाता है। पीएमएलए एक ऐसा कानून है जिसमें बेल ही नहीं मिलती है, तो बिना एक भी आरोप साबित हुए, बिना ट्रायल शुरू हुए, महीनों तक, सालों तक विपक्ष के नेताओं को जेल में रखा जाता है। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने की एक साजिश है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो जहां चुनाव नहीं जीत सकती वहां पे पार्टियों को और उनके नेताओं को जेल में डाल के खत्म कर दो। खबर ये भी आ रही है कि ईडी जो है आबकारी मामले से रिलेटेड पंजाब में भी छापेमारी की गई, उसमें आम आदमी पार्टी के एक विधायक की बात हो रही है, तो आप इसी से जोड़ के देखते हैं उसको भी? बिल्कुल, ये तो शुरुआत है। अभी आप देखिएगा कि एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के और नेताओं पर और मंत्रियों पर, सब पर और कार्रवाई होगी। अभी तो बहुत लोग और जेल जाएंगे, और भी जेल जाएंगे। दूसरा, इस संबंध पर क्या अरविंद केजरीवाल जो हैं पूछताछ के लिए जाएंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी की आशंका आप जता रहे हैं, या कोई अंतरिम बेल के लिए आगे अप्लाई कर सकते हैं क्या? देखिए अभी हम वकीलों से बात कर रहे हैं और उसके आधार पर निर्णय लेंगे। बात करने शुक्रिया। तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो समन है वो उनसे पूछताछ के लिए नहीं बल्कि उनकी गिरफ्तारी के लिए भेजा गया है, और एक एक कर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता हैं उनको ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर जेल में डाला जा रहा है। अपने विषयों की मनीष के साथ जितेंद्र भाटी ने बात दिल्ली।